सर सर लुक है सर दो जगह तो नहीं देख सकता हूँ यार जय माता दी अमोरिया मंगल मूर्ति Material is fiber. Sir, plastic. What all can it take? What is plastic? Different types of plastic. So there is PIG, PLA, carbon fiber, and composite materials. So I have one print on carbon fiber. Carbon fiber. This was the base created, sir. You see the finish of this. This is created by Kiri. The stand and the repeat. So this is for rapid prototyping, sir. मर गया उसकी बेटी बेटी है
गुड वेल डन मैम. थैंक यू सो मच. फिर एक बार अपने क्षेत्र में आज आने का सौभाग्य मिला. जो चुनाव के दिनों में संकल्प लिया था उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का, वो दो महीने में और पक्का हुआ है, विश्वास बढ़ा है, प्रतिबद्धता दिनों दिन मेरे सब साथियों की, मेरी, हमारे कार्यकर्ताओं की इस संकल्प को लेकर बढ़ रही है. हम सब आगे जा रहे हैं. कई सारे विषयों के ऊपर लटके पटके कार्यक्रमों में तेजी आई है. विकास के कार्य उत्तर मुंबई में आगे जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का हो, हाउसिंग का हो, रीडेवलपमेंट ऑफ चॉल्स, रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, इन सीटू रिहैबिलिटेशन, सो दैट ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आवर चिल्ड्रन गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. नए ग्रीन स्पेसेस को डेवलप करना हो, प्लेग्राउंड्स, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, ट्रैफिक की समस्या को लेके समाधान निकालना, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो पुराने समय से विलंब चल रहे थे उनको गति देना, नई योजनाओं को शुरुआत करना. एक प्रकार से ये दो महीने, या अगर आज के दिन देखें तो लगभग 75 दिन जो मेरे आप सबके आशीर्वाद से, उत्तर मुंबई के मतदाताओं के आशीर्वाद से जो यहाँ सांसद के रूप में सेवा करने का मौका मिला, मैं समझता हूँ मैं धन्य हो गया. आज भी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक स्कूल में चिंचावली मलाड वेस्ट में गए थे, पुरानी यादें उजागर हो गई. मेरा भी स्कूल जहाँ मैं मुंबई में पढ़ा वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडेड स्कूल था. वहाँ के टीचर्स की तनख्वाह भी बीएमसी देती थी, वहाँ के सब खर्चे बीएमसी उठाती थी. शायद मेरी फीस कभी भी 8 और 12-13 रुपए से ज़्यादा कभी नहीं हुई हर महीने. लेकिन जो शिक्षा मुझे बीएमसी के दिए हुए सहयोग से मिली और मैं 12 वर्ष उस स्कूल में पढ़ा, मैं समझता हूँ जीवन भर मैं आभारी रहूंगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मुंबई के नागरिकों का जिन्होंने मुझे आज यहाँ पहुंचाया है. मित्रों, उस स्कूल को भी कई सारी नई चीजें छोड़ने का काम बीएमसी ने किया है. डिजिटल क्लासरूम्स है, साइंस लैब है, पर आज भी कई सारी नई कल्पनाओं के ऊपर हमने चर्चा करके उस स्कूल को भी कैसे हम आगे बढ़ाएं. ऐसे ही पूरे क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, जितने अस्पताल हैं, उन सबको आधुनिक बनाना, उनको एम्पावर करना अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं हमारे लोगों को मिले उसके लिए, इस ये हमारी संकल्प भी है. और इस दिशा में हम सब, चाहे हमारे पूर्व खासदार हों, हमारे सभी आमदार, हमारे नगर सेवक, पार्टी के पदाधिकारी और सरकारी अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं. ट्रैफिक की समस्या कम हो उसके लिए पिछले हफ्ते तो कई सारी चीज़ों पे चर्चा हुई और अभी मैंने रिपोर्ट भी लिए जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक से आज, और वो मुझे अन्य अन्य स्थानों पर क्या क्या बदलाव हुआ है बता रहे थे. कुछ और सुझाव मैंने आज भी उनको दिए. एक फ्लाईओवर जो मिड चौकी के पास जंक्शन पर मारवे रोड और लिंक रोड को कनेक्ट करता है मलाड में, वो भी काफी समय से डिले चल रहा था. आज सभी अधिकारियों के साथ और कॉन्ट्रैक्टर को
दायित्व दिया है कि अगले आने वाले महीना डेढ़ महीना में हो सके तो महीने में वो उसको पूरा करे। उसके लिए जो पहले उसको सिर्फ 2 बजे से 4 बजे तक काम करने की परमिशन थी, अब उसको रात को 9 बजे से सुबह तक पूरी शिफ्ट काम करने की परमिशन आज दिलवाई है। उनके ट्रक्स को लाने का, सामान लाने की परमिशन दिलाई है, जिससे वो प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द समाप्त हो, जनता की सेवा में आ सके। इसी प्रकार से एक नई अलाइनमेंट जो मलाड से चारकोप से होते हुए सीधा लिंक रोड को पार करके हाईवे तक जाए, ऐसी एक नई अलाइनमेंट का काम बीएमसी के अधिकारियों ने भी शुरू किया है। उसके लिए कुछ हमें क्लियरेंसेस रोड अलाइनमेंट की भी लगेगी, कुछ स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की मदद से कुछ स्लम ड्वेलर्स को वहीं पर पीएपी के नाते उन्हीं के झोपड़पट्टी के नज़दीक एक अच्छा पक्का घर दिलाने का भी हमने आज योजना बनाई है, जिससे पूरी पैरेलल रोड बन जाएगी और मलाड सब्वे में जो कई बार पानी इकट्ठा होता है उससे समस्या आती है, उससे भी निजात हमारे मलाड के भाई बहनों को देने का काम आज किया है। ये पैरेलल रोड अथर्व कॉलेज से होते हुए मारवे रोड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पूरा एक ऑल्टरनेट जनकल्याण नगर मर्ड मालवनी सबके लिए एक ऑल्टरनेट रूट भी बनेगा और बारिशों में या बाकी समय ट्रैफिक जैम से हम पूरी तरीके से इस क्षेत्र को मुक्त करने का काम कर सकेंगे। जो मिसिंग लिंक शंकर लेन में न्यू लिंक रोड से लाल क्लासिक होटल तक 18 मीटर वाइड रोड बनाने के लिए उसकी एक 550 मीटर की रोड लेंथ नई गांधीवली में बनाने का भी आज मैंने अधिकारियों को दरख्वास्त की है, उन्होंने दरख्वास्त को स्वीकार किया है और उसका काम भी अब जल्द से शुरू करेंगे। मित्रों, आज मैंने वैदिक पार्क देखा, मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने एंक्रोचमेंट हटाने में मदद की और उनके प्रयास और बीएमसी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक प्रकार से सफल हुई। 7 एकड़ का पूरा एरिया क्लीन अप हुआ और वहाँ एक सुंदर वैदिक पार्क जिसमें अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी और लोकशाही का एक प्रतिबिंब के रूप में ये वैदिक पार्क और इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाएगा, बनाया जाएगा, उसका डेवलपमेंट का काम भी आज देख के आया हूँ, उसको भी हम आप तेज गति देंगे और जल्दी मैं उसके कार्यक्रम के लिए समय देके उसका काम को भी आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, पिछले हफ्ते मैंने बीएमसी, एमएमआरडीए, माडा, एसआरए, ट्रैफिक पुलिस, कलेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ऐसे सभी मल्टी डायमेंशनल मल्टी अथॉरिटी मीटिंग बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर में की। लगभग 4 घंटे की मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उत्तर मुंबई के अलग अलग योजनाओं को लेके बहुत सारे निर्णय हुए, समयबद्ध तरीके से उन पर काम हो रहा है। आज बीएमसी कमिश्नर से रिव्यू किया मैंने, सभी काम ऑन ट्रैक है, जिसमें कोस्टल रोड का एक्सटेंशन भी भयंकर तक गति ले और उसका काम शुरू कर सके वो भी सम्मिलित है। पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ट्रैफिक की समस्या से हमारे लोगों को निजात मिले वो भी सम्मिलित है। लटके पटके जो स्लम रिहैब के एसआरए के कार्यक्रम प्रोजेक्ट्स जहाँ बिल्डर भाग गया, बिल्डर ने आधा अधूरा छोड़ा, इन सब को भी रिवाइव करने के लिए हम सब होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने का काम तेजी से आगे लेके जाने के लिए प्रतिबद्ध भी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके माध्यम से उत्तर मुंबई के सभी रहवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि
प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, हम अथर्व में बैठे हैं, गणेश जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे सब जन प्रतिनिधि दिन रात एक करके इस क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने के लिए कर्तव्य पथ पर तेजी से काम कर रहे हैं।